हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीता गार्डनिंग चैनल में। तो आज हम लोग जितने भी प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में आज हम लोगों ने खाद डाला है और खाद की जो जानकारी है, कौन सा खाद डाला है, वो हम लोग सफरुद्दीन से पूछेंगे। तो इसमें आज खाद डाला गया है और अब खाद डालने के बाद जो है इसमें पानी डाला जा रहा है। तो दोस्तों, खाद डालने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाद डालने से पहले मिट्टी को थोड़ा कोरना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मिट्टी को नहीं कोरेंगे तो खाद जो है वो जड़ तक नहीं पहुंचेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिट्टी को कोर लें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज हमने यही काम किया, हमने आज जितने भी प्लांट्स हैं इन सभी प्लांट्स में खाद डाला। और ठंड की मौसम हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है नवंबर चल रहा है तो काफ़ी ठंड है, लेकिन इस ठंड में भी उठ के हम लोगों ने सुबह में ही खाद डाला। तो सफरुद्दीन यहाँ पे आया था और सफरुद्दीन ने सारे जितने भी प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं इन सभी प्लांट्स में खाद डालने का काम किया। तो दोस्तों, ये होता है डेडिकेशन। अगर आप प्लांट रखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। सुबह में उठना होगा आपको और इसमें पानी डालना होगा और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पूरी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बिना समय को वेस्ट किए हुए हम जानते हैं सफरुद्दीन से। तो सफरुद्दीन, आज तुमने क्या किया? आज ये वो गोबर रखे हैं, उसमें खाद डाले हो? कौन किस चीज़ की खाद डाले हो? खाद रखे हैं प्लांट में। हाँ, प्लांट में खाद तो डाले हो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा खाद डाले हो? गोबर का खाद डाले हो। तो सफरुद्दीन ने जो ये सारे प्लांट्स में गोबर का खाद डाले रख दिए, तब उसके बाद कोर दिए और पानी पटा दिए। ओके, तो पहले कोड़े हो या पहले क्या किए हो, कैसे शुरू से बताओ? पहले उसको रख दिए तब कोड़े है। अच्छा, पहले खाद को रख दिए हो फिर कोर दिए हो ताकि खाद जो है वो जड़ तक जाए, नीचे तक जाए। अगर कोरेंगे नहीं तो क्या होगा? सफल नहीं होगा, ऊपर ही रह जाएगा और पानी से क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। यही तुम कहना चाह रहे हो ना? ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो खाद है वो डाला जाए। तो कोरना भी ज़रूरी है। कोरना मतलब आप समझ रहे होंगे, मिट्टी को थोड़ा सा खुरपी से थोड़ा सा इसको कोर के कोरना, मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कोर के थोड़ी सी मिट्टी को हिला के थोड़ी सी मिट्टी को अलग करके खाद डालना ज़रूरी है, तभी वो खाद जो है वो जड़ तक पहुँचेगी। तो अब खाद तो ऑलरेडी डाला जा चुका है, अब इन सारे प्लांट्स में पानी डाला जा रहा है। देख सकते हैं ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं, अब इसमें सफरुद्दीन पानी डाल रहा है। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको छत की प्लांट दिखा रहा हूँ, वो भी एक छत की प्लांट दिखा रहा हूँ। ऐसे दो छत पे हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं और नीचे भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। मैं कैमरे से दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये हमारे नीचे के सारे प्लांट्स हैं। तो ये सफरुद्दीन जो है ये पानी डाल रहा है। तो जो दोस्तों, जो भी मैं दिखाता हूँ ये बिल्कुल मैं लाइव दिखाता हूँ, मैं कोई इसमें एडिटिंग या कोई कटिंग नहीं करता हूँ, इसलिए जो भी है वो बिल्कुल रॉ मटेरियल है। मैं कुछ भी इसमें एडिट करना नहीं चाहता हूँ और दोस्तों, मेरे पास एडिट करने का उतना समय भी नहीं है कि मैं एडिट करूँ बैठ के जाके लैपटॉप पे। तो इसीलिए जो भी दिखाया जा रहा है आप लोगों को, विदाउट एडिटिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ कटिंग और एनीथिंग। तो सफरुद्दीन ने पानी डाल लिया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे ये लेमन के हैं और ये देखिए ये अनार है। कितना अच्छा अनार हुआ है दोस्तों, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक अनार भी फला हुआ है इस गमले में। तो दोस्तों, खाद डालते रहिए अपने प्लांट्स में, गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद में कुछ भी नहीं है, ये कॉस्टली भी नहीं है, इसे ख़रीदना भी नहीं पड़ता है। आप चाहें तो किसी भी कैटल से या खटाल जिसे बोलते हैं वहाँ से जाके गोबर की खाद ला सकते हैं और उसे अगर स्टोर करने के लिए मैं सफरुद्दीन से पूछता हूँ कि उसे स्टोर कैसे किया जाता है, गोबर को कैसे स्टोर किया जाता है, ये मैं सफरुद्दीन से पूछता हूँ। तो सफरुद्दीन, जैसे गोबर का खाद तुम ले आए तो उसको रखोगे कैसे, स्टोर कैसे करोगे?
पौधा में उसको रख के अथी कोड़ देंगे? नहीं नहीं, जैसे मान लो कि तुम खाद ले आए, गोबर ले आए, उसको रखना है तो कैसे रखना रखोगे? है उसको तो हिफाजत से रखना है, उसको बढ़िया से ढक के रखना है कि हवा नहीं लगे। हवा नहीं लगे। उसमें कुछ मिलाते भी हो क्या? थोड़ा मट्टी मिलता है। अच्छा, थोड़ा मट्टी मिलता है, तो यही मट्टी मिलता है उसमें, ऐसे रखेंगे तो सफल नहीं होगा। ऐसे सफल नहीं होगा, खराब हो जाएगा। थोड़ा मट्टी मिक्स करके तब उसको अथी किया जाता है। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये बताना ये चाह रहा है कि गोबर की खाद में थोड़ा मट्टी को मिलाइए, मट्टी को मिला के फिर उसे रखिए। तो दोस्तों मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, यही एक्सपर्ट है, इसलिए मैं इसी से पूछ लेता हूँ कि क्या कैसे रखना है। तो जैसा कि इसने बताया कि मट्टी में रखना है और हवा से बचाना है, खाद को हवा ढक के रखना है, नहीं तो हवा लग जाएगा तो खाद खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी जो खाद है वो ख़राब हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके पास गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और शेयर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कैसे खाद डालते हैं, कितना पानी डालना है, कैसे प्लांट की केयर करनी है, वो सारी चीज़ों को दिखाते रहेंगे। मैं अपना ट्राई करता हूँ कि मैं केयर करूँ अच्छे से, अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ। तो देखते हैं। और मेरे हिसाब से जब से मैं केयर कर रहा हूँ, सारे प्लांट्स हेल्दी हैं और बीच बीच में खाद वगैरह डालना ये सब भी करते रहते हैं। तो जो भी करते हैं वो मम्मी के इंस्ट्रक्शन पे ही करते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो मम्मी जैसा बोलती है हम लोग वैसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मुझे एक इंसेक्टिसाइड दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये एक इंसेक्टिसाइड है दोस्तों, नागराज। ये क्लियर नहीं आ रहा है पिक्चर, इसमें लिखा हुआ है नागराज 555। तो ये जो, अगर आप ऐसे दोस्तों अगर ये इंसेक्टिसाइड खरीदते हैं तो ये इंसेक्टिसाइड्स को ना आप बिल्कुल ही छुपा के रखें, संभाल के रखें, बच्चों से दूर रखें। क्या ये चीज़? अच्छा, इसके बारे में भी एक अलग वीडियो बनाएंगे कैसे इसकी छिड़काव करनी है। तो दोस्तों ये अगर इस तरह की इंसेक्टिसाइड अगर आप खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसे बच्चों से दूर रखें एवं जानवरों से दूर रखें। जैसे जानवर घर में अगर आप कुत्ते पाले हैं या और भी कोई जानवर, बिल्ली पाले हैं, उनसे दूर रखना है दोस्तों, बच्चों से दूर रखना है। बच्चों मतलब छोटे बच्चे या थोड़े बड़े बच्चे से भी दूर रखना है, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस होता है। तो ये चीज़ को अगर आप लेते हैं, अगर आप ये चीज़ अपने घर में रखते हैं कीटनाशक, तो इसे बहुत छुपा के किसी ड्रम के अंदर बिल्कुल छुपा के रखें, और खाद्य पदार्थ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उससे भी इसको दूर रखें, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है और ये खाने से आदमी का डेथ हो सकता नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो इसे आप छुपा के रखें दोस्तों। तो खैर, हमारे यहाँ छत पे है तो यहाँ पे कोई बच्चा का कोई बच्चे वगैरह यहाँ पे आते नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई जानवर आता है, तो ये ऐसे रखा हुआ है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको घर में कैसे हार्मलेस इंसेक्टिसाइड बनाए वो भी मैंने बताया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इस तरह से आप हैंड वॉश की मदद से आप इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक दिन हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों एक बार, एक दिन सफरुद्दीन के साथ मिलके इसकी भी वीडियो बनाएंगे, कितना कितने पानी में कितना डालना है, ये चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कम डालने से इंसेक्ट्स पे कोई असर नहीं होगा, ज़्यादा डालने से प्लांट सूख सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर 1000 होने वाले हैं, अभी 972 हैं तो 1000 होने वाले हैं, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो 1000 एटलीस्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं कभी कोई अगले वीडियो में।